So now we are starting with decoding the part 2 of economic survey. Part 1 has already been decoded, ठीक है? Part 1 को already decode कर दिया गया था, ये part 2 है, ठीक है? तो चलो, let's start decoding the session. Session decode करना शुरू करते हैं. So we are now starting with volume 2, the most important part, okay? तो शुरू करते हैं class. अभी तक हमने डिस्कस किया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. और इसमें से जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है आपके सर्वे के लिए और आपके बजट के लिए, यूनियन बजट के लिए, ठीक है? दिस डिपार्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? सो नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, जब हम आगे बढ़ते हैं, हमें पता है इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, ये डिजिटली रिलीज हुआ था. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा. ज्यादा पेपर वर्क, ज्यादा यू नो मेल मिलाप ना हो, इस वजह से कोविड 19 पैंडेमिक चल रहा है, इस वजह से इकोनॉमिक सर्वे को डिजिटली रिलीज किया गया कि भाई एक काम तो कम से कम आपका डिजिटली हो जाएगा, बाकी बजट की स्पीच देना तो आना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे को डिजिटल फॉर्मेट में रिलीज करके काफी बर्डन ईज हुआ है. देखो, जो भी आपका यू नो कह सकते हैं सेशन होता है, वो काफी लंबा होता है इकोनॉमिक सर्वे का बजट से पहले, और कोविड 19 के चलते हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है. और अगर दो बार सर्वे के दौरान और बजट के दौरान हम सेशंस कंडक्ट करेंगे पार्लियामेंट में, तो काफी दिक्कत हो जाती है. दैट इज वाई सर्वे को डिजिटली लॉन्च कर दिया गया, ठीक है? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Just give me a second. So in the last class also we studied that the Economic Survey of India is an annual document which is released by Finance Ministry. कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री. कैसा डॉक्यूमेंट है? बाइनुअल नहीं, एनुअल डॉक्यूमेंट है. दे कैन कंफ्यूज यू इन प्रिलिम्स, ठीक है? और ये जो एनुअल डॉक्यूमेंट है, इसको स्पीच इसके ऊपर किसने की, इसको रिलीज किसने किया? इट वॉज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के वी सुब्रमण्यन, ठीक है? ही इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये आपको पॉइंट याद रखना है. हु डिटेल्स आउट द सर्वे? बजट तो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ही रीड करती है, बजट इज रेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ओनली. बट हु रीड्स आउट और हु प्रेजेंट्स द यू नो द सर्वे? इट इज प्रेजेंटेड बाय के वी सुब्रमण्यन. ऑल राइट, यहां तक पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? तो इकोनॉमिक सर्वे, इट इज अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड इट इज द ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड. देखो, ये पॉइंट आपको अंडरलाइन करना है. ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड है यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है? दे कैन आस्क गिव यू 2-3 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक सर्वे, देन दे विल आस्क यू विच वन ऑफ देम इज करेक्ट. आपको 2-3 स्टेटमेंट्स देंगे, फिर पूछेंगे कौन सा करेक्ट है. तो ये पॉइंट याद रखिएगा. व्हाट नॉट, बजट इज नॉट द ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड. दे कैन कंफ्यूज यू. इट इज द इकोनॉमिक सर्वे एंड इट गिव्स यू अ रोड मैप फॉर कंट्रीज इकोनॉमिक्स एंड स्पेल्स द वे फॉरवर्ड. मैंने आपको क्या बताया कि दो वॉल्यूम में इकोनॉमिक सर्वे जो है वो रिलीज होता है. वॉल्यूम वन में आपको प्रॉब्लम्स बताई जाती है कि ये अभी इस वक्त कंडीशन है इकोनॉमी की, और वॉल्यूम टू में आपको सोल्यूशन बताया जाता है, ठीक है? वॉल्यूम वन, इट स्पेल्स आउट द प्रॉब्लम्स विच इकोनॉमी इज फेसिंग राइट नाउ, द करेंट स्टेटस ऑफ इकोनॉमी. एंड इन वॉल्यूम टू व्हाट दे टेल यू, दे टेल यू अबाउट द वे फॉरवर्ड, द सोल्यूशन, व्हाट वी कैन डू टू यू नो ब्रिंग आउट द इकोनॉमी फ्रॉम दीज कंडीशंस. अपनी इकोनॉमी को इन प्रॉब्लम से निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो गिव्स अस दी सजेशंस. तो ये सजेशंस आप मेंस की आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, जीएस पेपर 3, इवन यू कैन यूज देम इन योर एसे पेपर. अगर इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई ऐसे आता है, जैसे कि पैंडेमिक के कारण जो माइग्रेशन हुआ है, लॉकडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई है, उसमें आप इकोनॉमिक सर्वे के सजेशंस यूज कर सकते हो. दे विल फेच यू बोनस मार्क्स, ओके? दैट इज वाई रीडिंग इकोनॉमिक सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now it provides a summary of annual economic development. That means, पिछले 12 महीने में, in the last 12 months, what was the development or how was the development carried out in India? What was the condition of economic development in India? That is, you know, provided by the economic survey. Okay? And this year's survey is an ardent tribute to immortal human spirit of grit and compassion. ठीक है, वॉल्यूम वन में क्या बात की गई है? वॉल्यूम वन में बोला गया है, द फर्स्ट चैप्टर सेज सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स अमिड्स अ वंस इन अ कंट्री क्राइसिस. यानी कि जब पहली बार जीवन में एक बार इस तरीके का कोई क्राइसिस आता है, कोई चुनौती आती है, तो उस वक्त कैसे हमारे कंट्री के लोगों ने जिंदगियों को बचाया और लाइवलीहुड्स को सेफ गार्ड करने की कोशिश की, तो उसी के ऊपर चैप्टर वन पूरा का पूरा डेडिकेटेड है. प्लस इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कोरोना वॉरियर्स.
कोरोना वॉरियर्स जो थे हमारे मेडिकल हेल्थ स्टाफ, ठीक है, पुलिसमैन, तो इन सबकी भी दाद दी गई है. इवन द शॉपकीपर्स हुवर ओपन्ड अप, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, द मेडिकल स्टोर्स एटसेट्रा, सो दे हैव ऑल्सो बीन अप्रिशिएटेड इन वॉल्यूम वन. वेर एज वॉल्यूम टू रिव्यूज रिसेंट डेवलपमेंट इन मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विद अ फोकस ऑन चैलेंजेस फेस्ड ड्यू टू पैंडेमिक. एजुकेशन सेक्टर, इनोवेशन सेक्टर, ठीक है, इन सभी सेक्टर्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुए इस पैंडेमिक के दौरान वाइल फेसिंग द चैलेंजेस, चैलेंजेस फेस करते वक्त. ऑल राइट, सो दीज टू वॉल्यूम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स स्टडी दीज टू वॉल्यूम्स. अब बिफोर वी यू नो मूव फॉरवर्ड विद वॉल्यूम्स और द डिकोडिंग ऑफ द वॉल्यूम्स, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए. अनअकैडमी हैज लॉन्च्ड अनअकैडमी कॉम्बैट विच इज गोइंग टू बी टेक यू नो हेल्ड ऑन 7th of Feb 2021 एंड टाइम विल बी 11 AM इन द मॉर्निंग. अभी दो दिन बाद ना आपका ये अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है विच इज अ फ्री चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू. ये आपके लिए एक चैलेंज है, ठीक है, टू प्रूव योर मेटल, ठीक है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और इफ इवन इफ यू आर अ बिगिनर, हियर इज अ चांस विद यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर वीकनेस इन द प्रिपरेशन एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है. यहां पर आप 1000 ऑफ लर्नर्स के साथ कम्पीट कर सकते हो. देयर विल बी टोटल 60 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रिलिम्स ओनली, पेपर वन. 45 मिनट्स टाइम विल बी गिवन टू यू. देर आर 13 चैलेंजेस एंड स्कोरिंग ऑल इंडिया रैंक विल बी प्रोवाइडेड टू यू. आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कॉम्बैट इज दैट इफ यू स्कोर रैंक 1 टू रैंक 3 देन यू विल बी गेटिंग फ्री 3 month UPSC, CSE, GS, Unacademy Plus subscription. अगर first से third rank के बीच में आपकी rank आती है तो आपको free subscription मिलने वाली है Unacademy Plus की 3 महीने के लिए, ठीक है. And if you score rank 4 to rank 150, then you are going to win ₹1000 Amazon vouchers as well. Okay? So this is a very wonderful chance for all of you to participate in Unacademy Plus Combat. What you have to do is go on to the Unacademy Learning app, then select the goal UPSC CSE and then go on the test section. Niche test section hota hai, us pe jao. Combat upar likha hoga, Unacademy Combat mein enroll karna hai. You can use this code ARPITA10 to unlock this combat for free. Okay? So maine link bhi aapko diya hai comment section mein. You can click on it and you can, you know, enroll in this combat. Okay? Chalo, so let's start. Shuru karte hain. So when we talk about the economic survey, जब हम economic survey की बात करते हैं, you have to remember for prelims, when was the first survey, economic survey presented? पहला economic survey कब present किया गया था, ये आपको याद रखना है. It was presented in the year 1950-51, this is important for pre. And up to 1964, it was presented along with the budget. यानि कि budget जब present होता था, उसी के साथ survey भी present हो जाता था. But 1964 के बाद economic survey budget से de-link कर दिया गया और budget से पहले you know present किया जाने लगा. So now economic survey is presented one day before the budget and it is de-linked with the budget after 1964. These are the important pointers about economic survey. ये आपके बहुत important prelims से related pointers हैं. And you have to remember that it is prepared by Economics Division of Department of Economic Affairs, that is DEA. Under whose guidance? Under the guidance of Chief Economic Advisor. जो हमारे Chief Economic Advisor हैं, उन्हीं की guidance में इस survey को present किया जाता है. That also you have to remember. And it is the most authoritative and updated source of data on India's economy. So even it is more updated than any book. अगर आप कोई किताब पढ़ते हो ना इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, उससे भी ज्यादा अथॉरिटेटिव और उससे भी ज्यादा परफेक्टली रिसर्च्ड डॉक्यूमेंट होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे. ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है. और इस साल का थीम क्या था इकोनॉमिक सर्वे का, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है प्रिलिम्स के लिए. द थीम ऑफ 2021's इकोनॉमिक सर्वे वॉज सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स. दिस वॉज द थीम, रिमेंबर दिस, इसको याद रखना. दे कैन गिव यू कंफ्यूज यू इन प्रिलिम्स, ठीक है. तो आपको ये पॉइंट याद रखना है. दिस वॉज द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, ये पहला चैप्टर भी था. अब इकोनॉमिक सर्वे में ना पहले ही चैप्टर में महाभारत का एक श्लोक यूज हुआ है. इन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ इन इकोनॉमिक सर्वे अ श्लोक बाय महाभारत हैज बीन यूज्ड. व्हाट इज दैट श्लोक, प्लीज राइट इट डाउन. द श्लोक इज इन इंग्लिश, आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ द श्लोक. इट इज सेविंग अ लाइफ इन जियोपार्डी, दैट इज इन प्रॉब्लम, इज द ओरिजिन ऑफ धर्म. This is the shlok's meaning which has been used in the first chapter in your economic survey. And this is the shlok which is taken from chapter number 13 of Mahabharata. Mahabharata ka jo chapter 13 hai, uska shlok number 598 hai ye.
ठीक है, दिस इज श्लोक नंबर 598 विच हैज बीन यूज्ड इन चैप्टर 1. तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, दिस इज रिलेटेड टू एंशियंट हिस्ट्री ऑल्सो. ओके, सेविंग अ लाइफ इन जियोपार्डी और डिस्ट्रेस, यानी कि प्रॉब्लम में अगर किसी की का जीवन होता है उसको सेव करना ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा सबसे सर्वप्रथम धर्म है. ठीक है, तुम्हारा सबसे पहला जो धर्म है वो है कि किसी के जीवन को जो प्रॉब्लम में है उसको सेव करना. ठीक है, सो ऑन दिस नोट द चैप्टर स्टार्टेड इन यू नो इकोनॉमिक सर्वे. इसी नोट पर चैप्टर स्टार्ट होता है इकोनॉमिक सर्वे पर. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो हमने लास्ट क्लास में पहले कुछ 6-7 चैप्टर कंप्लीट किए थे, अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर से, दैट इज द बेयर नेसेसिटीज. नाउ व्हाट इज दिस बेयर नेसेसिटीज, ये बेयर नेसेसिटीज क्या होते हैं? नेसेसिटीज मतलब जो आपकी जरूरत की चीजें होती हैं उसे नेसेसिटीज बोलते हैं ना, द थिंग्स विच आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू यू, दैट इज नेसेसिटी. Now, in this chapter, in economic survey, the government launched the Bare Necessities Index, BNI. अब ये index है जरूरी आपके prelims के लिए. They can definitely frame one question on BNI. So, Bare Necessities Index, it is based on large annual household survey data, which can be constructed using suitable indicators and methods at district level for all or targeted districts to assess progress on access to bare necessities. You all know during the lockdown last year, ठीक है, there was dearth of necessities, that means bare necessities or the essential items. People were hoarding all kind of essential commodities, चाहे वो आटा हो, दाल हो, चावल हो, चीनी हो. लोग क्या करने लगे थे, जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ दुकानों पर जाकर होर्ड करना शुरू कर दिया, थोक में सारा सामान खरीद लिया, जरूरत नहीं है उतना भी परचेज कर लिया. तो जो हमारे बेचारे बिलो मीडियम क्लास फैमिलीज थी उनके लिए सामान की का अभाव हो गया. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. और जैसे ही लोग थोक में सामान खरीदने लगते हैं ना, प्राइस इंक्रीज होने लगता है. तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होने लगा कमोडिटीज का, जो बिलो मीडियम क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए उन कमोडिटीज को अफोर्ड करना मुश्किल होने लगा. ठीक है, एंड मोदी जी ही अगेन एंड अगेन आर प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्टेड पीपल नॉट टू होल्ड कमोडिटीज, बट स्टिल पीपल वर डूइंग इट. ठीक है, लोग तो कर रहे थे. द मेन ग्रुप इन द पॉपुलेशन सेक्टर और सेगमेंट और इन द सोसाइटी विच वर अफेक्टेड वर द बिलो मीडियम क्लास फैमिलीज. ठीक है, जो बीपीएल फैमिलीज थी, मीडियम क्लास के नीचे फैमिली थी. ठीक है, तो उन सभी को अफोर्डेबिलिटी में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई. ठीक है, तभी हमने ये तैयार किया बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स. ये इंडेक्स क्या करता है, कुछ इसके अंदर 26 इंडिकेटर्स हैं जिनको 5 डायमेंशंस में कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. व्हाट आर दीज 5 कैटेगरीज? वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज. एंड इन इंडिकेटर्स को पढ़कर, इन इंडिकेटर्स को सर्वे करके, हर जगह हर घर में जाकर हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर सर्वे करके ये देखा जाता है कि कौन सी फैमिलीज हैं, कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास बेयर नेसेसिटीज को अफोर्ड करने की काबिलियत है, या वो बेयर नेसेसिटीज जो जरूरतमंद चीजें हैं जो डेली लाइफ में जरूरी होती हैं उनको कितने लोग एक्सेस कर पा रहे हैं. ये स्टडी किया गया बीएनआई के थ्रू, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के थ्रू. So this chapter examines the progress which it made in providing the access to the bare necessities. Okay, क्या क्या से क्या क्या progress है, क्या क्या development है जो देखी गई है पिछले एक साल में. ठीक है, in providing access to bare necessities. ठीक है, इस index को rural level पर तैयार किया गया, urban level पर and all India level पर. These points you have to remember for prelims. It has been prepared on 3 levels. 3 लेवल्स पर इसको प्रिपेयर किया है. वी हैव द रूरल लेवल, वी हैव द अर्बन सिटी बेस्ड लेवल एंड ऑल इंडिया लेवल, जिसके अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे प्रोविंस कवर होंगे. ठीक है, सो बीएनआई समराइजेस 26 इंडिकेटर्स. वी हैव स्टडीड दिस, 5 डायमेंशंस है, ये भी हमने पढ़ लिया. नाउ व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट इन बेयर नेसेसिटीज. देखो, बेयर नेसेसिटीज जो है, रिजल्ट क्या निकल कर आया है, पहले तो हमने ये देख लिया कि बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स होता क्या है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द इम्प्रूवमेंट विच वाज सीन इन दिस इंडेक्स. द इम्प्रूवमेंट वाज दैट द बेयर नेसेसिटीज, जो जरूरत का सामान है, चाहे वो सैनिटेशन हो, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो वाटर हो, वाटर एक्सेस हो, एटसेट्रा. ठीक है, इट हैज इम्प्रूव्ड अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन द कंट्री इन 2018 एज कम्पेयर टू 2012. अगर 2012 का स्टेट देखें, उससे अगर 2018 को कंपेयर करें तो इम्प्रूवमेंट देखी गई है. देर हैज बीन ए नोटवर्दी प्रोग्रेस विच हैज बीन सीन एंड इंक्रीज इन इक्विटी इज नोटवर्दी. ठीक है, यानी कि आपकी जो शेयर होल्डिंग है, ठीक है, उसमें जो इंक्रीमेंट है वो भी देखा गया है. अगर चाहे वो प्राइवेट गुड्स हो, चाहे वो पब्लिक गुड्स हो, जो सिटीजन्स की होल्डिंग है वो भी इम्प्रूव हुई है, यानी कि आपकी अफोर्डेबिलिटी भी इम्प्रूव हुई है. द अफोर्डेबिलिटी हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड.
पॉइंट क्लियर हो गया. तो लोगों की एक्सेस इंप्रूव हुआ है, पहुंच इंप्रूव हुआ है, अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुआ है, ठीक है, और बेयर नेसेसिटीज इंक्रीज हुई है लोगों के पास, ठीक है, अगर हम 2012 के पीरियड से कंपेयर करें. सो व्हाट आर द की फाइंडिंग्स रिलेटेड टू बेयर नेसेसिटीज विच इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स. ये आपके प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. अब द एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज हैज इंप्रूव्ड अक्रॉस ऑल स्टेट्स इफ वी कंपेयर 2012 पीरियड टू 2018. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इट इज हाइएस्ट इन स्टेट्स लाइक केरला, पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात. ये अंडरलाइन कर लीजिए, प्लीज अंडरलाइन दिस, कि बेयर नेसेसिटी इंडेक्स कौन से स्टेट में हाई है, यानी कि अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी कौन से स्टेट में ज्यादा है. इन विच स्टेट द अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी इज हाई, इट इज केरला, पंजाब, हरियाणा, गुजरात. केपीएचजी इस तरीके से याद कर लेना, एक्रोनिम बनाकर, शॉर्ट नेम बनाकर, केरला, पंजाब, हरियाणा, गुजरात. बट इट इज लोएस्ट इन विच स्टेट, इन ओडिशा, इन झारखंड, इन वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा. ये जो स्टेट्स हैं यहां पर ये बीएनआई जो है वो कम, सबसे ज्यादा था, सबसे कम था, कम से कम था, ठीक है. इट वॉज लोएस्ट इन विच स्टेट्स, इन ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, OGWT, ठीक है. सो यहां पर होता क्या है कि बिकॉज ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज डिस्पैरिटी द इंडेक्स ऑल्सो फ्लक्चुएट्स, क्योंकि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में बहुत डिफरेंस होता है, काफी बड़ा गैप होता है. इस वजह से बीएनआई भी है वो जो है वो शेक करता रहता है, यानी कि वोलेटाइल रहता है, ठीक है, आप कह सकते हो कंफ्लिक्ट करता रहता है. सो नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट नोटिस वॉज इम्प्रूव्ड एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज हैज लेड टू इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ इंडिकेटर्स ऑल्सो. Now, if you know, if the sanitation, in the sanitation field or sanitation sector, your bare necessities, accessibility is improved, then your health will also improve, your hygiene will also improve. जब sanitation sector में, sanitation के field में लोगों की पहुंच improve होगी, लोगों की condition improve होगी, तो health भी improve होगी, water access improve होगा, तो health भी improve होगा, right? सो दैट इज वाई जब bare necessities index improve होता है, increase होता है, तब आपका health भी जो है वो बेटर होता है, हेल्थ इन फैक्टर्स ऑल्सो इम्प्रूव, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक. तो ये आपका रिलेशन याद रखना, रिलेटिविटी आपको याद रखनी है, व्हेन बीएनआई इंक्रीजेस देन द हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, द स्कीम सच एज जल जीवन मिशन, JJM और SBMG और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया जो भी स्कीम्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक है, ये जो स्कीम्स हैं दे मे डिजाइन अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस द गैप्स. अब गैप्स कौन से गैप्स, आपके रूरल और अर्बन एरियाज के बीच के गैप. मैंने आपको यहां पर बताया इन द सेकेंड पॉइंट आई टोल्ड यू दैट वेन देर इज इंटर स्टेट डिस्पैरिटी बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है, द बेयर नेसेसिटीज ऑल्सो डिक्रीज. जब डिस्पैरिटी ज्यादा होती है ना, गैप ज्यादा होता है, तो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स जो है वो भी डिक्रीज करता है, ठीक है. तो इसीलिए यहां पर फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लॉन्च कर रही है, चाहे वो जल जीवन मिशन है या वो SBM है, ठीक है, ग्रामीण एरियाज में, तो उस मिशन में, इन सभी गवर्नमेंट मिशन्स में एम यही रहता है कि रूरल और अर्बन एरियाज के बीच का जो गैप है उसको फिलअप किया जाए. व्हेन दिस गैप इज फिल्ड ओनली देन द BNI कैन इंक्रीज, तभी BNI इंक्रीज हो सकता है, ठीक है. यहां तक सभी को पॉइंट क्लियर हो गया तो मुझे प्लीज बताएं. So this was the bare necessities index. So when we talk about economic survey, I told you so far, हमने अभी तक क्या पढ़ा, it has been dedicated to all COVID-19 warriors. ये जो सर्वे है इस बार का COVID-19 के वॉरियर्स को डेडिकेट किया गया, ठीक है. एंड हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट द कोविड वॉरियर्स हु ज्वाइंट हैंड्स टू अपहोल्ड इंडिया, एंड वी टॉक्ड अबाउट द वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिलिम्स के लिए. अब हमने एक नोट बनाने जा रहे हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट दिस नोट विद मी. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी ये नोट मेरे साथ साथ बनाएंगे, ठीक है. सो देखो, इकोनॉमी में ना अलग अलग टाइप्स के आप कह सकते हो शेप्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, ठीक है. इन इकोनॉमी देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स. इस सर्वे में वी शेप्ड ग्राफ की बात की गई है, ठीक है. तो हम अलग अलग टाइप्स के ग्राफ्स को आप पढ़ेंगे. तो हियर यू कैन राइट इट डाउन, यहां पर आप लिख सकते हो दैट देर आर, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन ओवर हियर, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी. जब हमारी इकोनॉमी किसी क्राइसिस से रिकवर करती है तो अलग अलग ग्राफ्स, अलग अलग शेप्स के ग्राफ्स तैयार किए जाते हैं टू प्रोजेक्ट द रिकवरी, ठीक है. जो हमारी ग्रोथ हुई है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए, उसको शो करने के लिए ग्राफ्स आर यूज्ड, ठीक है. सो ओवर हियर राइट इट डाउन, दीज ग्राफ्स आर डिपिक्टेड यूजिंग द
using the alphabetic notations. Using the alphabetic notations. For example, in this year's economic survey, we have used the V-shaped economic recovery graph. हमने V-shaped graph use किया है. तो alphabetic notations use करके इन graphs को project किया जाता है. How many types of graphs are there? For example, we have the Z-shaped graph. ठीक है, यानी कि Z-shaped recovery होती है हमारे पास. इसको Z-shaped recovery भी बोलते हैं. Then we have the V-shaped recovery. ठीक है, फिर हमारे पास होती है V-shaped recovery. Then we have the W-shaped recovery. ठीक है, ये भी point लिख लीजिएगा. This chart is very important for GS paper 3 answer writing and prelims also. Then we have the L-shaped recovery. फिर हमारे पास आती है L-shaped recovery. Then we have the U-shaped recovery. फिर हमारे पास U-shaped recovery आती है. And the last one is elongated U-shaped recovery. लास्ट हो जाता है elongated U shaped recovery. ठीक है, so these are the different kinds of alphabetic graphs which you know denote the recovery of economy during a crisis. Okay, ये सबने note down कर लिया, please let me know so that I can change the slide. अगर आपने ये note down कर लिया है तो please मुझे बताएं ताकि हम slide को ना change कर सके. All right, note down कर लिया. All right, आगे बढ़ते हैं. Now the alphabets over here, ये जो alphabets है ना यहाँ पर L, U, then W, V, Z, तो ये जो alphabets हैं, they denotes the graph, ठीक है, ये graph का shape denote करते हैं, and the graph is related to growth rate, ठीक है, they denotes the graph of growth rate, ये alphabets हैं सारे, ये आपकी growth rate को depict करते हैं, they show क्या दर्शाते हैं, growth rate, economy की कैसे growth हुई है, ठीक है, so over here you'll write, यहाँ पर आप लिखोगे कि next important point is that the time taken is often time taken for both for what time taken for recovery of the economy. ठीक है, तो time यहाँ पर किस चीज का है, recovery का time, कि कितने time में recovery हुई. So time taken is often the factor of multiple things. ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बनाया वी शेप्ड ग्राफ. ठीक है, इस तरीके का वी शेप ग्राफ हमने बनाया है. तो वी शेप ग्राफ में आप देखोगे प्रोग्रेस हो रही है, इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी का पेस. ठीक है, इकोनॉमी प्रोग्रेस कैन बी सीन ओवर हियर, बट देन देयर इज अ शार्प डिक्लाइन एंड देन अगेन यू नो इन वी शेप ग्राफ ऑल ऑफ अ सडन अगेन द इकोनॉमी बूम्स अप. तो ये जो टाइम लिया गया है ना इकोनॉमी का आगे बढ़ने का, फिर डिक्लाइन होने का, फिर वापस से ऊपर जंप अप करने का, ये काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. दिस टाइम टेकन टू रिकवर डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल रिसेशन, फॉर एग्जांपल एनी पैंडेमिक विच इज इन द इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल द यू नो लॉन्गर द टाइम विच यू नो विच इज टेकन बाय द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ नॉन अफोर्डेबिलिटी ऑफ पीपल, बिकॉज ऑफ रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स गैप. तो अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर के गैप के वजह से टाइम डिले हो जाता है, थोड़ा रिकवरी प्रोसेस जो होती है वो डिले हो जाती है. मान लीजिए रिसेशन आ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी तरीके की बीमारी फैल रही है, पैंडेमिक फैल रहा है, उस वजह से भी टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो ये आपके फैक्टर्स सुधारते हैं जिस वजह से टाइम टेकन जो है वो डिपेंड करता है कि ज्यादा भी समय लग सकता है रिकवरी में और कम भी समय लग सकता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जी शेप्ड रिकवरी से. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जी शेप्ड रिकवरी. ठीक है, तो हेयर द चार्ट विल बी, यहां पर आप चार्ट बना सकते हो. दिस विल बी द ग्राफ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू इन योर मेन्स आंसर राइटिंग. आप मेन्स में भी एक ग्राफ बना सकते हो. ठीक है, दिस इज द जी शेप्ड ग्राफ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करेक्ट बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये हो गया आपका जी शेप्ड ग्राफ. सभी ने बना लिया ये ग्राफ तो जल्दी से मुझे बताएं. इफ यू हैव मेड दिस ग्राफ लेट मी नो. ठीक है, तो ये है आपका जी शेप्ड ग्राफ. अब आप देखोगे ये जो डॉटेड लाइन है ना बीच में, दिस डॉटेड लाइन इन बिटवीन, व्हाट इज इट? ये है प्री, राइट इट डाउन, प्री कोरोना बेस लाइन. यानी कि अगर कोरोना नहीं होता तो उससे पहले की बेस लाइन सीधी होती. ठीक है, इस तरीके से होता. दिस इज द प्री कोरोना बेस लाइन. कि कोरोना नहीं होता तो हमारा इकोनॉमी ऊपर ही जा रही होती, डेवलप हो रही होती. बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक द शेप टर्न्ड इनटू जेड, जी शेप हो गया. ठीक है, हियर वी विल राइट जीडीपी ऑन वाई एक्सेस एंड ऑन एक्स एक्सेस वी विल राइट द टाइम. ठीक है, तो जीडीपी और टाइम हो गया यहां पर. ये जीडीपी की पोजीशन है और ये आपका टाइम टेकन है. ठीक है, टू रिकवर.
तो यहां पर आप लिखोगे दैट दिस इज द जी शेप्ड रिकवरी, इट इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, इट इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, ठीक है, इन विच द इकोनॉमी, इन विच द इकोनॉमी क्विकली राइजेस, इट क्विकली राइजेस आफ्टर एन इकोनॉमिक क्रैश. अगर किसी तरीके का इकोनॉमिक क्रैश होता है बिकॉज ऑफ विच एवर रीजन, ठीक है, दिस जी शेप्ड रिकवरी शोज दैट इकोनॉमी क्विकली राइजेस, इकोनॉमी बहुत जल्दी उस क्रैश से उभर जाती है. तो जैसे आप देखोगे शॉर्ट टर्म डाउनफॉल हुआ यहां पर, देन अगेन क्विकली इट राइजेज अप, ठीक है, फिर छोटा सा शॉर्ट टर्म डाउनफॉल होता है, अगेन इट फाइनली प्रोग्रेसेस, ठीक है. तो ये जो हर्डल्स देखने को मिल रहे हैं ना, दीज आर वेरी शॉर्ट टर्म हर्डल्स, ठीक है. सो दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, बट इन आर कंट्री राइट नाउ देर इज नो जी शेप्ड रिकवरी, वी आर फॉलोइंग द वी शेप्ड रिकवरी, ठीक है. तो नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हो वी शेप्ड रिकवरी. नाउ इन दिस जी शेप्ड रिकवरी अनदर पॉइंट इज दैट दिस ग्राफ शोज द एबिलिटी, राइट इट डाउन, टू स्पेंड, द एबिलिटी टू स्पेंड इट गेट्स रिस्ट्रिक्टेड. यहाँ पर खर्च करने की जो एबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बिकॉज सी द इकोनॉमी फर्स्ट इट इज डिक्लाइनिंग, अगेन इट इज राइजिंग, देन अगेन इट इज डिक्लाइनिंग. तो राइज करने की जो स्पीड है वो तो बहुत ज्यादा है, बट ये भी हम देख रहे हैं कि डिक्लाइन भी हो रहे इकोनॉमी बात बात पर, ठीक है, यानी कि हर टाइम पीरियड के डिफरेंट पॉइंट पर इकोनॉमी नीचे भी जा रही है, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है. हमें पता है कि कभी भी फिर से गिरावट हो जाएगी, फिर इंप्रूवमेंट होगी, फिर गिरावट होगी. तो इस वजह से हम अपना खर्चा थोड़ा रोक लेते हैं, हम खर्चा ज्यादा नहीं करते चीजों पे. सो द एबिलिटी टू स्पेंड गेट्स रिस्ट्रिक्टेड मोर देन, राइट इट डाउन, मोर देन पीपल्स इनकम. हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा हम अपने आप को खर्च करने से रोकेंगे, ठीक है. यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, जी शेप्ड रिकवरी समझ आ गई. जितना हम कमाएंगे उससे ज्यादा हम अपने आप को रोकेंगे खर्च करने से, ठीक है. चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द वी शेप्ड रिकवरी विच इज राइट नाउ इन आर इंडिया विच इज प्रेजेंट, ठीक है, एंड इट इज मेंशन इन द इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो. ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन है द वी शेप्ड रिकवरी. सो इसका डायग्राम कैसा है, डायग्राम बना लेते हैं. लेट्स मेक अ डायग्राम फॉर दिस ऑल्सो, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वी शेप्ड रिकवरी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हैज बीन मेंशन दिस ईयर इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है. ये हो गया आपका वी शेप्ड रिकवरी, ठीक है. सो ओवर आप देखोगे ये डॉटेड लाइन्स है. डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द डॉटेड लाइन्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी से बताएं डॉटेड लाइन का मतलब क्या होगा. इट मींस द प्री कोरोना बेस लाइन. अगर कोरोना नहीं होता तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती, बस बिकॉज ऑफ कोरोना देयर हैज बीन अ अल्फाबेटिकल ग्राफ दैट हैज बीन फॉर्म्ड. यहां पर वी हैव जीडीपी एज सच एज यूजुअल, और यहां पर हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है. तो अब इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन दिस काइंड ऑफ यू नो इकोनॉमिक ग्राफ, इन दिस द इनकम्स, राइट इट डाउन, द इनकम्स एंड जॉब्स दे आर नॉट परमानेंट, दे डू नॉट परमानेंटली लास्ट, ठीक है. इन दिस इनकम्स एंड जॉब्स आर नॉट परमानेंट, जो कि हमने देखा था लॉकडाउन के दौरान. वी सॉ ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ना दैट द जॉब्स वर नॉट परमानेंट, ठीक है. सो हियर दे वर नॉट परमानेंट बट they are also not permanently lost. permanent नहीं है jobs भले ही, but ऐसा भी नहीं है कि jobs अगर आपके हाथों से जा रही है तो वो permanently खो जाएंगे, अब आप कभी उसको job ले ही नहीं पाओगे. नहीं, the loss is temporary, ठीक है. point clear हो रहा है. so in this incomes and jobs are not permanently lost. permanently आपकी income खत्म नहीं होगी, permanently आपकी job नहीं छूटेगी, ठीक है. and write it down, and the economic growth recovers sharply. आपकी economic growth भी recover करेगी. see over here there is a sharp decline but again very quickly it has recovered, ठीक है. बहुत quickly recover कर गया है, but इधर ना as we compare it with the z-shaped you know graph you will see that decline is not temporary, not permanent. ऐसा नहीं है decline permanent है, but ऐसा भी नहीं है कि आगे होगा नहीं. it there is no guarantee that in future there will be no decline, but in v-shaped recovery we see that further there will be no decline. हम v-shaped recovery में देखेंगे कि आगे जाके कोई decline नहीं होता, आगे जाकर improve होती है condition. the decline is one time only, ठीक है. decline v-shaped recovery में एक ही बार होती है, ठीक है. तो यहां पर आप देखोगे वी शेप्ड रिकवरी के अंदर वन टाइम डिक्लाइन कैन बी सीन, ठीक है. एंड द यू नो राइज इज ऑल्सो वेरी क्विक. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. सो यहां पर आप लिखोगे दिस इज आफ्टर द जी शेप्ड रिकवरी द नेक्स्ट बेस्ट सिनेरियो.
This is the next best scenario after the Z-shaped recovery. After the Z-shaped recovery, ठीक है. और यहां पर जो इकोनॉमी अपना ग्राउंड खो बैठती है वो क्विकली रिकवर कर लेती है. ठीक है, द इकोनॉमी क्विकली रिकवर्स द लॉस्ट ग्राउंड एंड गेट्स बैक टू द नॉर्मल शेप. यहां देखो कि नॉर्मल शेप में आ गई है इकोनॉमी. ये आपके प्रिलिम्स के लिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा. 2020, 2019, 2018 से क्वेश्चन आपके ग्राफ्स के बेसिस पे पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग दीज ग्राफ्स. ओके, नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट. चलो, द थर्ड इंपॉर्टेंट ग्राफ इज दैट इज द यू शेप्ड रिकवरी. ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट ग्राफ, यू शेप्ड रिकवरी. तो इसमें डायग्राम किस तरीके से बनता है, यहां पर आप डायग्राम बना सकते हो. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू. ठीक है, ये हो गया यहां पर एंड दिस वन. यहां पर आप देखोगे ओवर हियर यू विल क्रिएट अ यू शेप्ड रिकवरी. ठीक है, समझ आ गया. ये है आपका यू शेप्ड रिकवरी और ये है आपकी प्री कोरोना बेस लाइन. ये आपको याद रखना है, वॉट इज दिस डॉटेड लाइन, प्री कोरोना बेस लाइन. ओके, हियर वी विल हैव द जीडीपी स्टेटस एंड हियर वी विल हैव द टाइम टेकन टू रिकवर. यहां पर होगा टाइम टेकन, यहां होगा जीडीपी इंप्रूवमेंट. ओके, तो यहां पर क्या होता है, इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, द इकोनॉमी आफ्टर फॉलिंग स्ट्रगल्स, राइट इट डाउन, इट स्ट्रगल्स अराउंड अ लो ग्रोथ रेट. अ लो ग्रोथ रेट, कैसे यहां पर लो ग्रोथ रेट क्यों है. इन द वी शेप्ड इकोनॉमी वी सॉ द डिक्लाइन वॉज देयर एंड अगेन क्विक रिकवरी वॉज देयर. बट इन यू शेप्ड इकोनॉमी द डिक्लाइन इज हैपनिंग बट द ग्रोथ इज वेरी यू नो स्टैगनेंट. जो देखो इंप्रूवमेंट हो रही है ना सिचुएशन में, वो काफी धीरे 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 करके हो रही है. ठीक है, द ग्रोथ इज नॉट क्विक, द रिकवरी इज नॉट क्विक. यहां पर आप लिख सकते हो ये जो रिकवरी है वो क्विक नहीं है, इट इज नॉट क्विक, not speedy. ठीक है, so here the economy after falling struggles around a low growth rate for some time, कुछ समय के लिए, for some time before rising gradually, that is slowly, gradually का मतलब होता है धीमे धीमे, slowly to usual levels, to the same levels. तो rise करने से पहले इसका जो growth आप देखोगे वो काफी stagnant है, काफी low है, काफी slow है. सो इन दिस कर्व, इस कर्व के अंदर आप देखोगे सेवरल जॉब्स आर लॉस्ट, सेवरल जॉब्स दे आर लॉस्ट इन दिस कर्व एंड पीपल, राइट इट डाउन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दे विल गिव यू द नेम ऑफ द ग्राफ, देन दे विल आस्क यू व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस ग्राफ. आपको नाम दे देंगे ग्राफ का, बोलेंगे इससे क्या असर पड़ता है सोसाइटी पे. तो ये याद रखिएगा, सेवरल जॉब्स आर लॉस्ट एंड पीपल दे फॉल, राइट इट डाउन, दे फॉल अपॉन their savings, यानी कि उनकी savings भी लोगों की घटने लगती है. The savings of people also decrease, it also comes down. ठीक है, तो अगर ज्यादा समय तक चलता रहा यू शेप्ड इकोनॉमी का ग्राफ, अगर ज्यादा समय तक चलता रहा तो ये elongated यू शेप्ड इकोनॉमी बन जाता है. ठीक है, अगर ये ग्राफ ज्यादा समय तक, ये ग्रोथ रेट कम रही, डिक्लाइन रही, तो यही शेप elongated यू शेप बन जाता है. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. अब आते हैं, बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ ग्राफ की, जो है डब्ल्यू शेप्ड इकोनॉमी. दिस इज द डब्ल्यू शेप्ड इकोनॉमी ग्राफ. ठीक है, अब इसमें ग्राफ किस तरीके का होगा, ड्रॉ कर सकते हो आप इसको. ये हो गया आपका ग्राफ डब्ल्यू शेप्ड इकोनॉमी का. ठीक है, यहां पर अगेन वी हैव जीडीपी, यहां पर हमारे पास आ जाता है टाइम. तो यहां पर क्या होता है, इट इज द मोस्ट डेंजरस ग्राफ. ये सबसे ज्यादा डेंजरस इकोनॉमिक ग्राफ है, ये याद रखिएगा. द मोस्ट सक्सेसफुल इकोनॉमिक ग्राफ इज जी शेप्ड एंड वी शेप्ड. ठीक है, सबसे अच्छा जो इकोनॉमिक ग्राफ होता है वो जी शेप्ड होता है और वी शेप्ड होता है. बट डब्ल्यू शेप्ड ग्राफ जो है वो सबसे खतरनाक ग्राफ होता है, बिकॉज हेयर द ग्रोथ फॉल्स, यहां पर ग्रोथ फॉल करती है एंड देन इट राइजेस. ठीक है, आप याद रखोगे इट इज फॉलिंग, देन इट इज राइजिंग, देन इट इज फॉलिंग, देन इट इज राइजिंग. ठीक है, सो हियर द ग्रोथ फॉल्स एंड राइजेस बट देन इट फॉल्स अगेन, बट फॉल्स अगेन,
ठीक है, बिफोर रिकवरिंग, रिकवर करने से पहले देखो आप यहां देख रहे हो गिर रही है फिर रिकवर कर गई, बट इससे पहले कि ये आगे रिकवर कर पाती फिर से गिर गई, इकोनॉमी उठते ही फिर गिर गई। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, चलना सीखना सीखने की कोशिश करता है, पहले वो क्रॉल करता है फिर खड़े होने की कोशिश करता है फिर गिर जाता है, ठीक है, थोड़ा टाइम भी लेता कि पूरी तरीके से एक बारी में खड़ा हो जाए, नहीं कोशिश करते ही गिर जाता है। तो इसी तरह वी शेप्ड इकोनॉमी भी जैसे ही राइज करती है राइज करते ही गिर जाती है। सो इट इज द डेंजरस वन बिकॉज हियर द मार्केट्स आर वेरी वॉलेटाइल वेरी शेकी, यहां पर मार्केट्स काफी रिस्की हो जाते हैं, ग्रोथ फॉल्स एंड राइजेस बट फॉल्स अगेन बिफोर राइजिंग और बिफोर रिकवरिंग, रिकवर करने से पहले फिर से एक चोट लग जाती है इकोनॉमी को, यानी कि आप यहां देखोगे डबल स्लिप होता है। हेयर इन रव्यू शेप्ड इकोनॉमी वी सी द डबल स्लिप ओवर हेयर, ठीक है, आई शो यू, इट इज डिक्लाइनिंग राइजिंग एंड बिफोर इट रिकवर्स इट फॉल्स अगेन, सो दिस इज द डबल स्लिप, दूसरी बार फिसलना, ठीक है, एंड हियर इट कैन बी ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक, हो सकता है, देखो एक बार वी शेप्ड ग्राफ बन गया पर यही वी शेप्ड डब्ल्यू शेप में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर पैंडेमिक की सेकेंड या थर्ड वेव आ जाती है, ठीक है, अगर पैंडेमिक को फर्दर कंट्रोल नहीं किया तो डब्ल्यू शेप्ड इकोनॉमी भी बन सकती है, ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है आपका लास्ट वन, दैट इज द एल शेप्ड रिकवरी। नाउ वी हैव द एल शेप्ड रिकवरी। एल शेप्ड रिकवरी में ग्राफ किस तरीके का होता है, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ इन एल शेप्ड रिकवरी, ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ, सभी देख पा रहे हैं इसको, तो ये है आपका एल शेप्ड रिकवरी ग्राफ, इसको हम बोलते हैं एल शेप्ड रिकवरी, ठीक है, हेयर वी हैव द जीडीपी, हेयर वी हैव द टाइम, ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन वंस द इकोनॉमी फॉल्स डाउन देन इट इज वेरी हार्ड फॉर द इकोनॉमी टू रिकवर बैक, ये भी अगेन इज वेरी डेंजरस, ठीक है, ये भी काफी डेंजरस है, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि एल शेप्ड रिकवरी में वंस इट डिक्लाइंस देन इट नेवर कम्स गोज बैक अप, इट टेक्स मेनी ईयर्स फॉर द जीडीपी टू इम्प्रूव, जीडीपी को काफी समय लग जाता है इम्प्रूव होने में, हेयर इट इज दी परमानेंट लॉस, ये जो है ये परमानेंट लॉस है टू दी इकोनॉमीज एबिलिटी, टू दी इकोनॉमीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस, अब परमानेंटली इकोनॉमी जो है, ठीक है, यहां पर प्रोड्यूस कर सकती है, यहां पर बचने के चांसेस बहुत बहुत शून्य ही है, ये समझ लीजिए बहुत कम है बचने के चांसेस यहां पर, ठीक है, सो दैट इज द एल शेप रिकवरी। अब आप देखोगे यहां पर, यहां तक रिकवरी ग्राफ सबको समझ आ गए हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। तो इस बार मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो ऑनलाइन लॉन्च हुआ है डिजिटली, सो वी हैव दिस इकोनॉमिक सर्वे ऐप, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स, द ऐप कैन बी डाउनलोडेड इजिली फ्रॉम द ऐप स्टोर, अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे चाहिए ना आप इकोनॉमिक सर्वे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, इट हैज अ बिल्ट इन फाइल रीडर सो देर इज नो नीड टू ओपन अनदर एप्लीकेशन, द यूजर्स विल बी एबल टू एक्सेस ऑल वॉल्यूम्स ऑफ सर्वे दैट इज वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू न्यू आइडियाज ऑन इंडियन इकोनॉमी स्टैट्स विच आर अवेलेबल फॉर द इंडियन इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है, और आप क्या कर सकते हो एक एक डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हो, ये शेयरेबल फॉर्मेट में है अपने कोलीग्स के साथ फ्रेंड्स के साथ, ये पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए, दे कैन आस्क यू ऑन द इकोनॉमिक सर्वे ऐप, द इकोनॉमिक सर्वे इज नॉट इन अ शेयरेबल फॉर्मेट, इकोनॉमिक सर्वे शेयरेबल फॉर्मेट में नहीं अपलोड किया गया, दैट इज रॉन्ग, इट इज इन द शेयरेबल फॉर्मेट, you can read also, you can share it with other people also, ठीक है, ये points clear हो गए हैं तो जल्दी से बता दीजिए, if this much is clear please let me know in the comment section, okay, so over here you will see that government has launched COVID policy response, ठीक है, short term pain long term gain, so here government has focused on saving lives and livelihoods, government का कहना यह है जितनी lives lost हो गई है उनको वापस से recover नहीं किया जा सकता, the lives which are lost we cannot get them back but we can protect the people who are still alive, अभी जो जिंदा है उनको तो protect कर सकते हैं, then government has learned lessons from Spanish flu, हमने इंडिया की वल्नरेबिलिटीज को और वायरसेस को स्टडी करने के लिए जो रिसर्च है उसको बढ़ा दिया है, वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ स्पैनिश फ्लू आल्सो, वी आर फोकसिंग ऑन सेविंग लाइव्स इन वर्स्ट केस सिनेरियो एंड वी हैव सीन द वी शेप्ड रिकवरी, अब तो आपको समझ आ गया होगा वी शेप्ड रिकवरी क्या है, नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वी शेप्ड रिकवरी, राइट, हमने सारे रिकवरी ग्राफ्स पढ़ लिए हैं, ऑलराइट, so these are the pointers which have been mentioned, plus India has focused on saving lives, India recognized that while GDP growth will recover human lives cannot be brought back, देखो लॉकडाउन को जब हटाने की बात की जा रही थी तो सब मना कर रहे थे कि लॉकडाउन नहीं हटना चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन हट रहा था,
ठीक है। तब रीजन ये दिया गया था कि देखो जितनी जान हम बचा सकते हैं उतनी हमें हमें बचानी है, ठीक है, बट हम जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है उसको भी हम साइडलाइन नहीं कर सकते। देखो ह्यूमन लाइफ जो चली गई है उनको वापस नहीं लाया जा सकता, बट वी कैन नॉट डू दिस एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग आर इकोनॉमी, लूजिंग आर जीडीपी। तो इसलिए लॉकडाउन हैज टू बी रिमूव्ड। देखो प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, वी आर गोइंग टू टेक प्रिकॉशंस, बट जीडीपी के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई लॉकडाउन वाज लिफ्टेड कंप्लीटली। इसी वजह से जीडीपी के ग्रोथ के लिए, जीडीपी के बेटरमेंट के लिए, बेहतरी के लिए लॉकडाउन को हटा लिया गया कि अब हमारी सुरक्षा हमारे अपने हाथों में, प्रिकॉशंस लेके बाहर निकलना है, मास्क और सैनिटाइजर के बिना बाहर नहीं निकलना, सर्फेसिस को जितना हो सके टच नहीं करना, अवॉइड करना है टच करना, ठीक है। हाथ में आपको ग्लव्स पहनने ही पहनने हैं, जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं वो पहन सकते हो, ठीक है। एंड हियर वी हैव टू नाउ फोकस ऑन जीडीपी ग्रोथ रेट। जो हमने स्टार्टिंग के समय में स्ट्रिंजेंसी लगाई थी, यानी कि स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाया था, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट सो फार, ओके, टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। इस पैंडेमिक को स्प्रेड, इसके स्प्रेड को कंटेन करने के लिए, रोकथाम के लिए वो लॉकडाउन जरूरी था, ठीक है। दैट इज वाई ऑन द स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स ऑल्सो इंडिया हैज बीन गिवन द स्कोर ऑफ 100। दैट मीन्स द मोस्ट स्ट्रिंजेंट, द मोस्ट टफेस्ट मेजर्स टेकन बाई गवर्नमेंट वॉज सीन ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस ऑफ स्प्रेड ऑफ पैंडमिक। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब हमारी आज 4:00 टेस्ट क्लास है। एट 4:00 वी हैव अ टेस्ट क्लास टूडे, ठीक है, विच विल बी ऑन इकोनॉमिक सर्वे। आधे घंटे की क्लास होगी जिसके अंदर हम इकोनॉमिक सर्वे का प्रिलिम्स रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। सो डू इनरोल इन दैट क्लास, उस क्लास में जरूर इनरोल कीजिएगा। एंड उस क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, दैट इज सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज। दिस इज द टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज, जहां पर आपको क्लास का पीडीएफ एंड क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड इनरोल इन दिस अनअकैडमी कॉम्बैट, विच इज अ फ्री ऑल इंडिया बेस्ड टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, विच इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 7th of Feb 2021, 11 AM इन द मॉर्निंग, एंड स्टैंड अ चांस टू विन दीज अमेजिंग प्राइसेस इफ यू स्कोर अ रैंक इन द टेस्ट। ओके, सो यूज दिस कोड Arpita10 इन ऑर्डर टू अनलॉक द अनअकैडमी कॉम्बैट फॉर फ्री। On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class.